हेलो एंड वेलकम टू गेट एडमिशन। मैं सेल्फ हिमांशु और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, GTBIT इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसको जाना जाता है। एंड दिल्ली NCR के अंदर अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हैं अपने लिए और इंजीनियरिंग आप करना चाहते हैं तो गुरु तेग बहादुर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि एक तो ये GGSIPU से एफिलिएटेड है, IPU की डिग्री आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ ये सिख माइनॉरिटी कॉलेज भी है, उसकी सारी डिटेल मैं आगे बताने वाला हूँ। एंड इवन आपका कैसे एडमिशन यहाँ पे हो सकता है, क्या एडमिशन प्रोसेस स्ट्रक्चर क्या है पूरा प्रोसेस, एंड आपका विदाउट JEE या फिर विदाउट रैंक अगर आपकी नहीं आई है तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैसे हो सकता है, सारी बातें करेंगे इसी वीडियो में। तो आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कॉलेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है सिर्फ गेट एडमिशन पे। गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कॉलेज एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज है। माइनॉरिटी कॉलेज का मतलब ये होता है कि इसमें 50% ऑफ जो सीट है टोटल सीट में से वो सिख कम्युनिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड होती है, बाकी की 50% सीट सभी के लिए अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड इंजीनियरिंग फील्ड में ये कॉलेज काफ़ी जाना माना माना जाता है दिल्ली के अंदर। अगर आप हैं तो आपने इसका नाम ज़रूर सुना होगा, गुरु तेग बहादुर में आप कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल, सिविल सारी चीज़ें कर सकते हैं, सारी आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। साथ ही अगर बात करूं इसकी लोकेशन की तो रजौरी गार्डन न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये इंस्टीट्यूट 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था, उस हिसाब से अब इसको काफी साल हो भी गए हैं। एजुकेशन फील्ड में अपनी पकड़ बनाए। कोर्सेज की बात करूं UG और PG दोनों ही कोर्सेज हम यहां से कर सकते हैं। एंट्रेंस और मतलब एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एंट्रेंस कौन कौन से यहाँ पे एक्सेप्टेड है तो देखो, IPU CET और JEE मेन के एग्जाम के थ्रू आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। एंड अगर आपका JEE मेन का अच्छा स्कोर नहीं है, IPU CET का अच्छा स्कोर नहीं है तो आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, आपका डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे अवेलेबल है, हो सकता है गेट एडमिशन के थ्रू। जो भी प्रोसेस है, क्या क्या आपको करना होगा वो मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले बात करते हैं हम यहाँ की एफिलिएशन के बारे में। तो IP University न्यू दिल्ली से ये जो कॉलेज है एफिलिएटेड है, AICTE से अप्रूव्ड है और इसका फ्लैगशिप जो कोर्स है वो है BTech। BTech यहाँ का बहुत फेमस है, BTech के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है एंड प्लेसमेंट भी इनकी काफी अच्छी खासी होती है, उसी वजह से इनका नाम इतना खासा है BTech में। एंड अगर मैं आपको इसके कुछ की पॉइंट्स बताऊं, GTBIT establishes and pursue global and industry standards of excellence. It develops and encourages engineers for enhancement and knowledge. तो ये सारी तो हो गई इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन, कैसे आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं, गुरु तेग बहादुर का क्या प्रोसेस है। एंड अब हम बात करते हैं BTech के ओवरऑल स्ट्रक्चर के बारे में, एलिजिबिलिटी स्ट्रक्चर और मतलब जो भी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो BTech 4 साल का एज यूजुअल मैंने जो बताता हूँ वो कोर्स है। एलिजिबिलिटी आपकी +2 में आपके 55% से अब मार्क्स होने चाहिए, PCM मस्ट है एंड IPU CET के स्कोर और JEE मेन के स्कोर के अंडर आप यहाँ पे अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फीस की तो 1.42 लाख यहाँ पे आपकी टोटल फीस रहने वाली है। इसके अलावा एडमिशन फीस और मिसलेनियस चार्जेस और सिक्योरिटी फीस आपको सबमिट करनी पड़ती है। हॉस्टल के चार्जेस अलग होते हैं, हॉस्टल की फीस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ की स्पेशलाइजेशन कौन कौन सी स्ट्रीम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, इवन शिफ्ट वाइज शिफ्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपकी ECE है उसमें टोटल 120 सीट्स आपको मिलेंगी, कंप्यूटर साइंस में 120 सीट्स, इन IT में आपको 120, AIML में 60, AIND में आपको 60 सीट्स और शिफ्ट 2 की टाइमिंग बताऊं 12:30 से 7, और इसमें आपको जो टोटल सीट मिलेगी CSE में मिलेगी 60, IT में मिलेगी 60। एंड अगर बात करूँ कट ऑफ की CSE IPU CET 2022 की तो 9,22,092 यहाँ की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। तो ये सारी तो होगी स्ट्रीम, अब आपको जो चूज़ करनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। एंड आपका एडमिशन कैसे हो सकता है, इवन अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा तो आप गेट एडमिशन का अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो यार स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दिया गया, डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी अपने सवाल जवाब करें, बातचीत करें हमारे साथ ताकि हम आपका एडमिशन अच्छे से करा सके। एंड गेट एडमिशन आपको और भी ढेर सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, फ्री करियर काउंसलिंग, लोन की फैसिलिटी एंड आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जरूर अप्रोच करें गेट एडमिशन को अपने एडमिशन के लिए, आपकी फेवरेट स्ट्रीम सिर्फ गेट एडमिशन आपको दिला सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ के हम प्लेसमेंट सेल के बारे में बात करते हैं। तो 15 लाख पर एनम इनका हाईएस्ट पैकेज अभी तक का गया है। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो 3.4 से लेके 5 लाख तक अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे एवरेज पैकेज रह जाता है। टॉप मोस्ट कंपनी की बताऊँ तो इन्फोसिस, अमेजोन, सोफिया, HSBC एंड स्कॉलरशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है आपके लिए। मेरिट बेस्ड और दिल्ली गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है, मेरिट से आप समझ ही सकते हैं। अगर IPU के देखो मोस्टली कॉलेज में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल, अगर आपने मतलब JEE मेन या फिर IPU CET में और 12th में अच्छा खासा स्कोर किया है तो आपको ये स्कॉलरशिप जरूर मिलेगी। एंड इस स्कॉलरशिप में आपको ऑलमोस्ट 100% तक स्कॉलरशिप मिल जाती है या फिर 75 तो मिलती ही मिलती है। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स है तो आपके लिए कॉलेज बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एंड इसके अलावा फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँ तो फूड, हॉस्टल, लाइब्रेरी एंड कैंटीन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, AC क्लासरूम्स मिल जाएंगे,
फुली वाईफाई नेबल कैंपस है इनका, आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। टोटल 66 प्रोफेसर हैं यहाँ पे बीटेक के लिए। ए प्रोजेक्ट नेम्ड स्पोर्ट्स फॉर ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी SGPP इन कोलेबोरेशन विद AICTE इंस्टीट्यूट हैज एड्यूसेट लैब्स। तो ये सारी फैसिलिटीज एंड आपको यहाँ पे मिलने वाली है इस कॉलेज में। आप अप्रोच कर सकते हैं GTBIT को अपने एडमिशन के लिए। इंजीनियरिंग के लिए अच्छा कॉलेज है एंड एडमिशन लेने के लिए गेट एडमिशन का अप्रोच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।